हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजू और आपका मेरे चैनल सात्विक कढ़ाई में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आंवले की दो तरह की फलाहारी चटनी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आंवला की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम आंवला ले लेंगे। हमने 8-10 आंवले ले लिए हैं और इसे हम उबाल लेंगे। जब तक आंवला उबलेगा तब तक हम चटनी के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम 1/2 टीस्पून खड़ा धनिया और 1/2 टीस्पून जीरा लेकर भून लेंगे। इसमें 1 लाल मिर्च डाल देंगे। मसाले में से चटकने की आवाज आ रही है, यानी कि मसाला तैयार हो चुका है। इसे हम 1 प्लेट में डालकर ठंडा होने देंगे। आंवला भी उबल गया है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे और आंवले को भी ठंडा होने देंगे। आंवले ठंडे हो गए हैं, अब हम इसे फोड़कर इसका बीज निकाल लेंगे। अब हम मिक्सी जार में इन आंवलों को डाल देंगे। और इसी में मसाले भी डाल देंगे। नवरात्रि चल रही है तो इसमें हम सेंधा नमक डाल दें ताकि ये फलाहार में भी काम आ जाए। और इसे खट्टा मीठा बनाने के लिए हम 1 टीस्पून चीनी डाल देंगे और इसे थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे। इसमें लगभग हमने 2 टेबल स्पून पानी डाल दिया है। चटनी पीस गई है, अब हम इसे 1 प्लेट में निकाल लेंगे। लीजिए, तैयार हो गई आंवले की खट्टी मीठी चटपटी चटनी। इस चटनी में हमने 1 टीस्पून चीनी और मिलाया था क्योंकि चीनी कम हो गई थी। कुल मिलाकर हमने 2 टीस्पून चीनी इसमें डाला है। अब हम दूसरे मेथड से बनाएंगे आंवले की चटनी। इसके लिए हमने फिर से 8-10 आंवले ले लिए हैं और इसे अच्छे से वॉश कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए, हमने छोटे टुकड़ों में काट दिया इसे। अब हम इसमें 2-3 हरी मिर्चें डाल देंगे। इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। 1/2 कप बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे। और इसे फलाहार में यूज करना है इसलिए हम सेंधा नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लें और इसे मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। जीरा आप इसमें भून कर भी डाल सकते हैं और कच्चा भी डाल सकते हैं। 1/2 कप पानी डाल देंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। चटनी तैयार है, अब हम इसे 1 प्लेट में निकाल लेंगे। लीजिए, तैयार है आंवले की दो तरह की चटनी, 1 हरी और 1 खट्टी मीठी चटपटी चटनी। आप इसे व्रत में पकौड़ों के साथ, पूड़ी के साथ एंजॉय करें। उम्मीद है आपको आंवले की दो तरह की चटनी की रेसिपी पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल पे आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।